हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एनजी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है यूरोपीय कला का मॉक टेस्ट और ये है इसका पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट अगर हमने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कला परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कई काम की वीडियो देख सकते हैं जो कला परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस यूरोपीय कला मॉक टेस्ट पार्ट 8 के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। तो ईसा मसीह के लिए इटालियन भाषा का शब्द यूज़ होता है, उसको कहते हैं बाम्बीनो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाम्बीनो। अगला प्रश्न है, मूर्तियों में अर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो अर्काइक मुस्कान है वो है ग्रीक कला की पहचान और ग्रीक कला में बनी जो मूर्तियाँ थी रोमन कला का विकास हुआ है और ग्रीक कला शैली में बनी मूर्तियाँ अपने अर्काइक मुस्कान के लिए अति प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ग्रीक मूर्ति कला में प्रभाव जो रहा है वो गंधार कला पर भी उसका पड़ा है और भारतीय मूर्ति कला भी ग्रीक कला से अछूती नहीं रही है। तो यहाँ पर जो ग्रीक या ग्रीस बोला जाएगा जिसे, उसकी जो अर्काइक मुस्कान है वो प्रसिद्ध है। तो आंसर है ऑप्शन एक, ग्रीस या ग्रीक। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण का प्रमुख कलाकार कौन था। तो यूरोप की कला का पुनर्जागरण का जो मुख्य कलाकार था उसका जो केंद्र था वो बताती हूँ, वो इटली था। पुनर्जागरण काल का जो केंद्र था वो इटली था और इटली राज्य के फ्लोरेंस के 3 कलाकार बहुत प्रसिद्ध थे। वो थे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और राफेल। ये 3 कलाकार थे और इनमें लियोनार्डो दा विंसी जिन्होंने मोनालिसा बनाया वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे, सबसे प्रसिद्ध कलाकार रहे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। रंगीन कांच की जो खिड़कियां थी गोथिक कला शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों पर काम हुआ था और शीशे को रंगीन बनाने के लिए ऑक्साइड धातु का प्रयोग किया जाता था। तो आंसर यहाँ पर ऑक्साइड रंगों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। दोस्तों, ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी खोज करने के बाद चीज़ों को मैं लाती हूँ प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने और ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कला परीक्षा में ये पूछे जा चुके हैं। अगला है, एगोनी एंड एक्सटेसी मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म का नाम है एगोनी एंड एक्सटेसी। ये किस कलाकार के जीवन पर है और ये आपको एक हिंट मिल गया कि ये एक मूर्तिकार के जीवन पर है। कभी ये भी पूछ सकते हैं कि किसके जीवन पर बनी, तो मूर्तिकार के जीवन पर बनी है और वो है माइकल एंजेलो। आंसर है इसमें ऑप्शन बी, ये फिल्म जो बनी है वो माइकल एंजेलो के जीवन पर बनी है जिनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था और ये पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ऑप आर्ट से जुड़ा नहीं था। यहाँ पर नहीं था पूछा गया है, 3 जुड़े हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, जोसेफ अल्बर्टो। ऑप कला का आरंभ हुआ था 1940 में और विक्टर वासरेरी जो थे उसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। इसमें ज्यामिति आकार के छोटे छोटे टुकड़ों को पच्चीकारी के समान रूप से क्षेत्र में फैलाया जाता था और इस प्रकार संयोजित किया जाता था कि वे हिलते हुए प्रतीत होते थे। यही दृष्टि भ्रम नेत्री कला का आधार था और जोसेफ अल्बर्टो जो थे वो इस कला से जुड़े नहीं थे। तो आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ अल्बर्टो इस कला से जुड़े नहीं थे। अगला प्रश्न है, होली फैमिली का चित्रकार कौन है। तो होली फैमिली जो है वो प्रसिद्ध चित्र है माइकल एंजेलो का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। ये इनके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है और माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था फ्लोरेंस इटली में और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार थे पुनरुत्थान काल के।
चरम पुनरुत्थान काल के प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार थे माइकल एंजेलो और उन्होंने बनाया था होली फैमिली चित्र। आंसर है ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न 8 नंबर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो प्रसिद्ध चित्र है उसे बनाया था लियोनार्डो द विंसी ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लियोनार्डो द विंसी का ये प्रसिद्ध चित्र है वर्जिन द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है ये, और इटली के कलाकार थे। इन्होंने 16वीं सदी के ये यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण कालीन कला का केंद्र था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये जो पुनर्जागरण कला थी जर्मनी में फैली, हॉलैंड, स्पेन और कई फ्रांस में भी फैली, और उसका जो केंद्र जो शुरुआत हुई वो था इटली। तो आंसर है यहाँ पर लियोनार्डो द विंसी। अगला प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है दांते द्वारा। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। और दांते जो थे वो इतावली दार्शनिक कवि लेखक थे, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था डिवाइन कॉमेडी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? तो नीदरलैंड का जो कलाकार है इसमें वो है ऑप्शन ए जॉन आइक। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए जॉन आइक, ये नीदरलैंड के कलाकार थे और इनका जन्म हुआ था 1390 में, 1390 में इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो बर्थ ऑफ वीनस बहुत प्रसिद्ध कृति है, इसे बनाया था सांद्रो बोटिचेली ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए सांद्रो बोटिचेली, इन्होंने बनाया था बर्थ ऑफ वीनस को, ये फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था बोटिचेली का। अगला प्रश्न है पार्थेनन मंदिर कहाँ है? तो पार्थेनन जो मंदिर है वो एथेनियन एक्रोपोलिस मंदिर है और ये एथेना देवी को समर्पित है और ये एथेंस के लोग अपने संरक्षक देवता के रूप में मानते थे, जिसका निर्माण हुआ था 947 ईस्वी पूर्व में, और यह प्राचीन यूनान का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यूनान में है पार्थेनन मंदिर। अगला प्रश्न है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो चित्र है तो चित्र में जो होते हैं वो दो आयाम होते हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दो, दो आयाम है मोनालिसा के चित्र में। अगला प्रश्न है शैलखंडों की कुमारी किसकी कृति है? तो शैलखंडों की कुमारी जो प्रसिद्ध चित्र है उसे बनाया था, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लियोनार्डो द विंसी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये लियोनार्डो ने बनाया था इस चित्र को, और इसमें जो चित्र है ये शैलखंडों की कुमारी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये लियोनार्डो का चित्र है। अगला है स्वर्णिम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत था उसे उसका प्रतिपादन किया था यूनान के कलाकारों ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यूनानी कलाकारों ने इसका प्रतिपादन किया था, और इसमें होता है कि सम तथा असम विभाजन के अतिरिक्त चित्रभूमि को बांटने का जो सिद्धांत होता है उसको स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो द टेम्पेस्ट जो है वो कलाकृति को निर्मित किया था जॉर्जियन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये जॉर्जियन की कलाकृति है, और जॉर्जियन ने आंधी, इसको बोलते हैं द टेम्पेस्ट नामक प्रसिद्ध चित्र कैनवस पर तेल माध्यम में बनाया है। इसका मीडियम याद रखिए, ये कैनवस पर बना है तेल माध्यम में। अगला प्रश्न है जॉर्जियन का समय क्या था? तो जॉर्जियन जो थे ये वेनिस के कलाकार थे और इनका समय था 1478 से लेकर 1510। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1478 से लेकर 1510, और ये वेनिस के कलाकार थे। अगला प्रश्न है रेम्ब्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्ब्रा जो थे उनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी, हॉलैंड में। रेम्ब्रा का जन्म हुआ था हॉलैंड में और ये हुआ था 1607 में। ये प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए थे, लगभग
62 आत्मचित्र भी इन्होंने निर्मित किए थे। अगला प्रश्न है, नाइट वॉच रात्रि प्रहरी का माध्यम क्या है? तो ये प्रसिद्ध चित्र जो है द नाइट वॉच, इसे बनाया था रेम्ब्रांड ने और इसका माध्यम है तेल। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, तेल माध्यम में बना है ये। ये रेम्ब्रांड का प्रसिद्ध चित्र है और ये कैनवस पर तेल माध्यम में बना है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, स्नान आरती किसकी कलाकृति है? तो स्नान आरती ये प्रसिद्ध कलाकृति है अल्बर्ट ड्यूरर की। आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है और अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 में जर्मनी में और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो है स्नानार्थी। अगला प्रश्न है, लास्को गुफा की खोज हुई थी? तो लास्को की जो गुफाएं हैं उनकी खोज हुई थी 1940 में। यहाँ पर है आंसर ऑप्शन ये डी है, ऑप्शन डी 1940 में लास्को गुफा की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, फोंट द गॉम क्या है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फोंट द गॉम जो है वो गुफाएं हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, फोंट द गॉम ये फ्रांस की गुफाएं हैं जहाँ पर 1901 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ पर लगभग 200 चित्र हैं और अधिकांश महिष के चित्र हैं। अगला है, लास्को गुफा कहाँ पर स्थित है? तो लास्को गुफा जो है वो है दक्षिणी फ्रांस में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दक्षिणी फ्रांस में है लास्को गुफाएं जिनकी खोज हुई थी 1940 में ब्रुइल ने की थी। और यहाँ पर है वृषभ वाला कक्ष जो बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ये ग्रंथ किसने लिखा है? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन जो है ये लिखा है अल्बर्ट ड्यूरर ने जो कि जर्मनी के कला थे। आंसर यहाँ जर्मनी के कलाकार थे ये अल्बर्ट ड्यूरर, इन्होंने लिखा था द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन। ये चित्र भी बनाते थे और लेखन भी करते थे। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का नागरिक था? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये जर्मनी के नागरिक थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये जर्मनी के कलाकार थे अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, टिशियन को या आंद्रियो मांतेना को, ड्यूरर को या टर्नर को? इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। और ये प्रश्न आपको सारे कैसे लगे ये भी जरूर बताइएगा। पसंद आए हैं तो लाइक जरूर करिए। गुड लक, जय हिंद।